नमस्कार, ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पेश भट्ट, आनंद गुजरात से। दोस्तों, आज हम वास्तु और फेंगशुई की थोड़ी टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये टिप्स ऐसी है कि जिसे एक्सेप्ट करने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस जरूर आपको मिलेंगे, घर हो या ऑफिस हो, और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन मिल सकता है। सबसे पहले क्या करें कि आपके घर में एक पौधा जरूर लगाएं, इंडोर प्लांट्स, या आप मनी प्लांट्स भी लगा सकते हो। घर में गार्डन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बालकनी गैलरी में भी आप लगा सकते हो। हाँ, लेकिन मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं, उसकी ब्रांच जो है जो इधर उधर घूम जाती है या नीचे गिर जाती है, वो अच्छी बात नहीं है। मनी प्लांट क्या बताता है? जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो ऊपर जाना है, मतलब ग्रो करना है, तो आप मनी प्लांट को भी कोई सहारा देके वो ऊपर की तरफ ग्रो हो, ऐसा होना चाहिए। या इंडोर प्लांट कोई भी है तो आप एक बात कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप दिया जलाओ, कैंडल जलाओ, मीनबत्ती। ऐसा नहीं है कि दिवाली में ही हम दिया जला सकते हैं। महीने में 3-4 तिथि, अच्छे दिन, शुभ दिन आते हैं कि उस दिन हम दिया जला सकते हैं, कैंडल मीनबत्ती हम जला सकते हैं। एकादशी है, त्रीज है, पंचम है, पूनम है, ऐसे कई सारी चीज या एक दो अच्छे दूसरे दिन भी आ जाते हैं तो उस वक्त आप दिया जला सकते हो। दिया मतलब प्रकाश, स्प्रेड द लाइट, और प्रकाश मतलब नॉलेज, तो नॉलेज को हमें स्प्रेड करना है, तो ये दूसरी बात अच्छी है। तीसरी टिप्स मैं आपको बताऊं कि आपके लिविंग रूम में आप हमेशा फ्रेश फ्लावर्स, ताजा फूल रखें। टिपोए है तो उसमें कोई कॉपर के पात्र में पानी डाल के कोई अच्छे फूल, मोगरो है या गुलाब है या कोई फ्रेग्रेंस देने वाली, ताकि घर में, रूम में खुशनुमा एटमॉस्फेयर बना रहे, एक खुशबू फैलती रहे, आप भी फ्रेश रहो और एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में महसूस होगी आपको। उसके बाद की टिप्स मैं आपको बताऊं, हर एक महीने आपको एक व्यक्ति को मदद करनी है, वो घर में भी हो सकता है, अगल बगल में भी हो सकता है। जैसे कि आपके घर में सपोज के कोई सर्वेंट है तो आप उसको मदद कर सकते हो, उसका कोई बच्चा या बच्ची है तो उसकी किताब आप दे सकते हो, छोटा है तो कोई चॉकलेट्स या गिफ्ट दे सकते हो, ऐसी कोई भी, या कोई संस्था में जाके भी, लेकिन एक व्यक्ति को हर एक महीने छोटी सी गिफ्ट करनी होती है, ताकि आपके भी जीवन में कोई ऐसा अननोन व्यक्ति आए। एक नेचुरल साइकिल है दोस्तों, आप ये समझना, ये बहुत बड़ी बात है। आप मदद करोगे तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। तो ये एक और वास्तु की मैं एक टिप्स आपको बता रहा हूं। उसके बाद टाइम टू चेंज, हर एक घर में एक कॉर्नर होता है कि वहां पे आप बैठते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, फोन कॉल्स करते हो या रिसीव करते हो, लेकिन अब आप थोड़ा चेंज करो, उस बैठने की जगह चेंज करो, अपना घर का फर्नीचर चेंज करो, या घर का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा लाइट कलर, ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले और माइंड को एक मैसेज जाए, नाउ इट्स टाइम टू चेंज। डेफिनेटली इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आप चेंज करोगे एक हफ्ते में आपको ये रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपका माइंडसेट जरूर बदलेगा। तो ये एक वास्तु की और फेंगशुई की टिप्स हो गई। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक छोटा सा वाटर फाउंटेन अपने घर में जरूर रखिए। पानी जीवन की जरूरत है, पानी के बिना हम है, या कोई नेचर की बात है, पशु है, प्राणी है, फ्लावर, कोई जी नहीं सकता। तो देखो, पानी का लीकेज होना बहुत बुरी बात है, वास्तु में उसको अशुभ माना गया है,
पानी का वेस्ट होना वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन पानी का रोटेशन होना वो डेफिनेटली अच्छी बात है। तो आप अपने घर में, अपने घर की सहूलियत के हिसाब से, कितना बड़ा घर है, छोटा घर है तो छोटा फाउंटेन है या उससे बड़ा है या उससे बड़ा आप फाउंटेन लगा सकते हो, ताकि पानी है वो रोटेट करे। लेकिन कहाँ पे रखें आप, तो आपको ये नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट के जोन में पानी को रखना है, वाटर फाउंटेन को रखना है। तो ये सारी आज की टिप्स हुई, आज के लिए इतना ही। मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं कोई और नया यूजफुल वीडियो बनाऊँ तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिले। तो ये जानकारी आप जरूर अपने दोस्तों में भी, अपने रिलेटिव्स में भी बांटें। अंत में आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, प्रणाम मेरा स्वीकार करें।